आपको दिखाते हैं एक मिनट वाली गुड न्यूज। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के पर्यटन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 13 दिसंबर को कॉरिडोर की शुरुआत की थी। उसके बाद से वाराणसी आने वाले और मंदिर में दान करने वालों की तादाद में करीब दोगुने का इजाफा बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से दान आया है और दान के अलावा और भी जो पूजन अर्चन की गतिविधियां वहां पर शुरू हुई हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2021 में दिसंबर से पहले हर महीने में 2 से 3 लाख लोग काशी आते थे। दिसंबर में ये संख्या 8 लाख को पार कर चुकी है। गई है। अगर पहले 10% श्रद्धालु आते थे, स्थानीय ज्यादा आते थे, पर अब जो है टूरिस्ट मतलब बाहर से लोग काफी आ रहे हैं। ज्यादातर होटल फुल है, मंदिरों में भीड़, लिहाजा पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं और इसमें श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काफी मददगार साबित हुआ है। उत्तराखंड में 3 मई को चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। 3 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री, 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। इस बार भक्तों की भारी भीड़ आने की भी उम्मीद है। चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियों के संदर्भ में पिछले 1.5-2 महीने से ही कार्य चल रहा है। उसमें सभी संबंधित विभाग अपने अपने स्तर से जो उनके विभाग से संबंधित कार्य है वो किए जा रहे हैं उनके स्तर से। इस बार केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी दर्शन के लिए खुली रहेगी। केदारनाथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रुकने के लिए पहले से ही तादाद में कई टेंट लगाए जा रहे हैं। चार धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जत्थों को एक एक करके आगे बढ़ाया जा सके। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के 5वीं तिथि आज है। शास्त्रों के मुताबिक देवी स्कंद माता की पूजा करने से जीवन की नकारात्मकता शक्तियों का नाश होता है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना लाभकारी होता है। माता को लाल रंग प्रिय है, इसलिए उनकी आराधना में लाल रंग का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। स्कंद मातृ स्वरूप पिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हीं विद्यावाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। आज भी माता के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और मंदिरों में रौनक देखते ही बन रही है। महाराष्ट्र में सोलापुर से दिल्ली के लिए साइकिल पर निकला नीलेश नाम का ये व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जबरा फैन है, जो दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए केजरीवाल सरकार के काम से बेहद प्रभावित है और इसीलिए वो केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली निकल पड़ा। 1600 किलोमीटर की अपनी इस यात्रा के दौरान नीलेश मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचा, जहां लोगों ने उसका स्वागत किया। अभी बहुत सारे समस्याएं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, उन्होंने जो बदलाव दिल्ली में लाया है उसी प्रकार से बदलाव महाराष्ट्र में भी लाए, सोलापुर में भी लाए। उनकी ज़रूरत महाराष्ट्र को है ये बताने और उनको विनंती करने में उनके पास जा रहा हूँ। नीलेश को दिल्ली में पहुंचने में अभी 8 से 10 दिनों का समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को लेकर अभी तक उसकी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन उसे उम्मीद है कि केजरीवाल उसे मिलने का समय जरूर देंगे। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी बुलडोजर एक्शन में है। सत्ता में शराब माफिया के भाई के अवैध आशियाने को जमींदोज कर दिया गया। पहले हथौड़े से तोड़ा गया, फिर जेसीबी ने पूरी इमारत को मटियामीट कर दिया। शराब माफिया विपिन जायसवाल के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और आबकारी एक्ट के एक मामले में वो फरार भी है। विपिन जायसवाल की जोर शोर से तलाश हो रही है, लेकिन इस बीच प्रशासन की नज़र उसके छोटे भाई की अवैध संपत्ति पर चली गई, क्योंकि उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश पहले ही दे चुके हैं, इसलिए प्रशासन और पुलिस ने शराब माफिया की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि मकान की कीमत करीब 25 लाख रुपये थी। ये एक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, इसको हटवाया जा रहा है। राजस्व प्लेस और नगर निगम का अमलास तीनों साथ में काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसके जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके पास कई 24 लगभग मामले दर्ज हैं।
उसने अतिक्रमण कर रखा है, उसका अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। प्रशासन के इस कदम से अपराधियों में हड़कंप है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आस्था के साथ चैती छठ का पर्व शुरू हो रहा है। 5 अप्रैल को नहाए खाए से शुरू हुआ त्योहार 8 तारीख की सुबह उगते सूरज को अर्घ के बाद खत्म होगा। पटना के गंगा घाट पर व्रत करी महिलाओं ने चैती छठ मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये पर्व जो है बहुत ज्यादा नियम टेम से बहुत अच्छा से किया जाता है, उनका कृपा से जो है सब चीज पूरा हो जाता है। कार्तिक छठ की तरह चैती छठ को लोग बहुत ज्यादा नहीं मानते। कुछ मन्नत पूरी होने के बाद चैत में पूजा करते हैं, या जो किसी वजह से कार्तिक वाली पूजा नहीं कर पाते उनके ये सूर्य भगवान की पूजा करने का दूसरा मौका है। आज के दिन निहाय खाय होगा, चना दाल का चना दाल बनेगा, अरवा चावल बनेगा, सब्जी बनेगा, लौकी बनेगा। छठ का व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन आस्था के आगे सभी परेशानियां छोटी साबित होती हैं। तेंदुआ का ये बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और मेरठ का पूरा वन विभाग इस शावक को माँ से मिलाने में जुट गया है। मेरठ के किठौर के बांगर गांव के लोगों को ये शावक खेत में मिला था, जिसे वन विभाग को सौंप दिया गया है। शावक को मिलाने के लिए हम लोग वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस तरह के ऑपरेशन किए हुए हैं उनसे लगातार संपर्क में है। उन्हीं के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विभाग के भी बने हुए हैं, दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। दिक्कत यह है कि इंसानी गंध की वजह से मादा तेंदुआ बच्चे को अपना नहीं रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वन विभाग ने शावक को एक खेत में छोड़ा, मादा तेंदुआ भी वहां पहुंची लेकिन शावक को छोड़कर चली गई। मिलाप के बाद में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे उच्च स्तर से जो निर्देश आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बच्चे से जुदा होने के बाद जानवर आक्रामक हो जाते हैं, इसी वजह से वन विभाग शावक को उसकी माँ से मिलाने में जुटा है।